अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। दोस्तों आज मैं आपको MBBS इन तुर्की के बारे में कुछ अपडेट दूंगा। नवंबर 2020 में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ जो है ना आपको बताऊंगा। आज जैसा कि आपको पता है कि 2020 में जो मई में एडमिशन के लिए जो है ना टेस्ट होना था लेकिन वो कैंसिल हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस, उसका पेंडेमिक आने की बात जो है ना तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, एग्जामिनेशन हॉल्स बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना पूरा प्लान था यहाँ पर आके टेस्ट कंडक्ट करने का। हम स्टूडेंट्स की जो है ना एनरोलमेंट करवा चुके थे, उन्होंने हमें जो है ना रोल नंबर स्लिप्स ईच एंड एवरीथिंग इशू कर दी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि पेंडेमिक आ गया और जो है ना वो सारा प्लान कैंसिल हो गया। यूनिवर्सिटी ने डेट भी दी कि शायद हम आ जाएंगे, लेकिन फिर जो है ना फर्दर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और तो जो है ना वो पॉसिबल ना हो सका और यूनिवर्सिटी यहाँ पर आकर टेस्ट ना ले सकी। तो उन्होंने जो है फिर सारे जो कंट्रीज़ थे जिनमें पाकिस्तान और भी काफ़ी सारे मुल्क हैं वहाँ पर टेस्ट का जो है वो सारा कैंसिल कर दिया। सिर्फ तुर्की में ही उन्होंने टेस्ट लिया, बाकी किसी और जगह पे टेस्ट नहीं लिया। लेकिन अब 2021 के लिए उन्होंने अपना जो है ना हमें गो अहेड दे दिया कि आप एडमिशन स्टार्ट कर दें और इनरोलमेंट कर लें टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह हम 2021 में आएंगे, टेस्ट जो है ना कंडक्ट करेंगे जैसे पहले वो करते रहे हैं। तो अब जो है कि टेस्ट के लिए ये है एनरोलमेंट स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट तुर्की में MBBS के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, BDMS में एडमिशन लेना चाहते हैं या और किसी मेडिकल जो है ना कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एनरोलमेंट करवा सकते हैं। वो YOS टेस्ट की एनरोलमेंट करवाएं, उसमें बैठें, अगर वो टेस्ट पास कर जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको एडमिशन भी मिल जाएगा, क्योंकि YOS टेस्ट के पास करने के बगैर वहाँ पर एडमिशन नहीं होता। आपको जैसे पता है कि तुर्की जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा चीप है जो है ना मेडिकल जो है ना एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वहाँ पर फीसें सस्ती हैं, बहुत कम फीस है। वहाँ के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो महंगे हैं, लेकिन जो पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत थोड़ी फीसें ले रहे हैं। इसलिए अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं या एडमिशन भी विदाउट स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं तो फिर भी आपको बहुत कम फीस जो है ना वो पे करनी होगी और आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा तुर्की ब्रादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको तुर्की में जाकर पढ़ने से मिलते हैं। इसलिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग भी विलिंग हैं तुर्की में जाकर MBBS करना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट करवा लें। इस साल इंशाल्लाह टेस्ट जो है कमिंग ईयर में हो जाएगा 2021 में, उसके लिए टेस्ट जो है ना आप अगर इनरोलमेंट करवाते हैं तो आपका टेस्ट होगा और आपको एडमिशन इंशाल्लाह मिल सकता है। दोस्तों ये तो थी सारी डिटेल। अगर आपको फर्दर हमसे कोई पूछना है, रابطہ करना है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर رابطہ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।